किसी ने कोई जानते हैं अब्राहम लिंकन कौन थे बताइए दीनानाथ। वो एक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। पहले तो नहीं थे, आई थिंक 17 थे। लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है कि वो एक बहुत छोटे किसान परिवार से बिलोंग करते थे। राइट। उनके पिता खेतों में जाके हल जोतना और प्रतिदिन वहाँ पे संघर्ष क्या करते थे। तो अब्राहम लिंकन भी अपने पिता के साथ वहाँ जाते थे, काम करते थे। उसके बाद घर में लाइट नहीं होती थी और वो घर की स्थिति नहीं थी कि वो अच्छे स्कूल में जा सकें, पढ़ सकें, बुक्स नहीं होती थी। तो अपने दोस्तों से बुक्स मांग कर, और कहते हैं जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, जहाँ रोड पे लाइट होती है, वहाँ बैठ के वो रात को पढ़ते थे वहाँ पे। और उनके जीवन का संघर्ष इतना है कि उन्होंने इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। और उनके बारे में भी सुना है कि यहाँ तक कि जो अपने जूते की बूट पॉलिश है वो भी खुद किया करते थे, वो अपना काम स्वयं करते थे। बड़े अहदे बड़े पद पे जाने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आज बड़े पद पे हूँ तो मैं छोटे काम को ना करूँ। तो हमें ऐसे महापुरुष से हमेशा कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे ढालना चाहिए। एक्सेलेंट। सो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से थे और वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। जैसा कि दीनानाथ ने कहा, उनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो एक लाइब्रेरी होती हुआ करती थी जहाँ तक उनको वहाँ जाने के लिए भी बस का किराया नहीं होता था उनके पास। तो पता नहीं कितने किलोमीटर चल के उस लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे किताब पढ़ते थे और उसके बाद दिन में आके काम भी करते थे। उन्होंने बोट में काम किया, जो कि सामान ले जाने वाली बोट होती है। उन्होंने खेतों में काम किया, उन्होंने पोस्टमैन का काम किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए बचपन में। और उसके बाद लेकिन उन्होंने लॉ की डिग्री ली और फाइनली पहुँचते वो राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें कि वो लोग जो कि बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो बहुत आगे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या होता है कि जो आपका इमीडिएट दायरा है उससे बाहर निकल के देखिए। कभी कभी यहाँ पर डर भी लगता है इस तरह के सपने देखने, कहाँ नेहा कक्कर और कहाँ मैं, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सोच जो है वो हमारी हदों को, हमारी लिमिट्स को डिसाइड करती है। ये साइंटिफिक है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज को सोचेंगे, सोचने से ये होता है कि हमारा जिसको सिलेक्टिव परसेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कि जब हम बाहर निकलते हैं, अपने आसपास देखते हैं, चीजों को नोटिस करते हैं, तो हम उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जो हमारी सोच से रिलेटेड हैं। तो सपोज अगर आप अपने दिमाग में ये डिसाइड करते हैं कि मुझे IAS करना है, कल को आप जब सड़क पे निकलेंगे कोई बोर्ड लगा होगा, वो IAS कोचिंग का होगा, वो दिखेगा आपको। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो बोर्ड नहीं दिखेगा आपको, आप उसको नोटिस नहीं करेंगे। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्यूज हैं, हम उन सबको नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ एक को ही पढ़ पाते हैं और वो होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। इसलिए ये याद रखिए कि आपकी सोच जितना दूर जाएगी उतनी दूर आप जाएंगे। एग्री डिसएग्री? एग्री मैम। राइट, ओके। तो ये तो बात हुई सोच की और किस तरह से सोचना चाहिए। अब हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं जॉब मार्केट के बारे में, कि जब आप अपना 9th, 10th, 11th, 12th करके स्कूल से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो मेरे साथ आए